हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। घर में रहिए और सेफ रहिए। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है अबाउट सोरियाटिक आर्थराइटिस। तो आज हम डिटेल में इसी के बारे में जानेंगे कि सोरियाटिक आर्थराइटिस क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, इसमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या मिलते हैं, डायग्नोस कैसे किया जाता है और बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले हम जानते हैं कि सोरियाटिक आर्थराइटिस होता क्या है। तो जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, सोरियाटिक आर्थराइटिस यानी इसका सोरियासिस से, जो कि एक स्किन कंडीशन होती है, उससे इसका कनेक्शन होता है। सोरियासिस ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके बॉडी पर स्केली इरप्शंस आने लग जाते हैं। तो अगर आपको सोरियासिस के बारे में और भी जानना है तो मेरा सोरियासिस पर एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वो जान सकते हैं। आज हम सोरियाटिक आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। तो सोरियाटिक आर्थराइटिस एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी सेरोनेगेटिव स्पॉन्डिआर्थराइटिस होता है, यानी कि ये क्रोनिक टाइप की कंडीशन है, यानी बहुत सालों साल चलता रहता है। इन्फ्लामेटरी मतलब जहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, वॉर्म्थ ये सब हो, उस कंडीशन को इन्फ्लामेशन बोलते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब ये धीरे धीरे करके डिजीज कंडीशन प्रोग्रेस करती रहती है। 70% जो सोरियाटिक आर्थराइटिस के केसेस होते हैं उसमें या तो आपको सोरियासिस कंडीशन चल रही होती है या प्रीवियसली आपको सोरियासिस हो चुका होता है। और 20% केसेस में क्या होता है कि पहले आपको आर्थराइटिस डेवलप होता है, उसके बाद आपको स्किन में सोरियासिस डेवलप होता है। और 10% में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसके बाद भी सोरियाटिक आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। सोरियाटिक आर्थराइटिस या सोरियासिस दोनों ही ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। मतलब क्या होता है कि जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वही कंफ्यूज हो जाती है और आपके जो हेल्दी सेल्स होते हैं, हेल्दी टिश्यूज होते हैं, उनको अटैक करने लगती है। अब वो क्यों अटैक करती है इसका तो रीज़न नहीं पता चल पाया है, लेकिन जब ये ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जब वो अटैक करने लगती है हेल्दी सेल्स को, तो उसकी वजह से स्किन में क्या होता है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्किन सेल्स होने लगता है, जिसकी वजह से सोरियासिस डेवलप होता है, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है और आर्थराइटिस डेवलप होता है। बेसिकली ऑटो इम्यूनिटी की वजह से आपको ये कंडीशन डेवलप होती है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, तो कुछ इन्वायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो अगर प्रेजेंट होते हैं तो आपको सोरियाटिक आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में किसी को सोरियासिस रहा है या सोरियाटिक आर्थराइटिस रहा है तो आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है सोरियासिस। अगर आपको सोरियासिस की प्रॉब्लम है या फिर आप में सोरियासिस पहले हो चुका है, तो इस कंडीशन में आपको सोरियाटिक आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर हम एज की बात करें तो ये किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है, मेल या फीमेल, ऐसा कुछ प्रीडोमिनेंस देखने को नहीं मिलता। ज़्यादातर कंडीशन में ये 30 से लेकर 50 साल के लोगों को ज़्यादा होता है। अब इसमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या मिलते हैं, तो इसमें बेसिक जो आर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं वही देखने को मिलते हैं, यानी पेन हो गया, स्वेलिंग हो गई जोड़ों की, साथ में टेंडरनेस यानी छूने पे दर्द होता है, वहाँ पे जब आप टच करते हैं तो वार्म्थ फील होती है। इसके अलावा स्टिफनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, स्पेशली मॉर्निंग में स्टिफनेस देखने को मिलती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहीं ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में जानना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा स्किन चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी स्किन पे आपके बड़े बड़े इरप्शंस हो जाते हैं जो सिल्वरी कलर के होते हैं, इस तरह के स्किन चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेल चेंजेस बहुत ज़्यादा इसमें प्रीडोमिनेंटली देखने को मिलता है, पिटिंग हो जाती है, यानी नेल्स पे छोटे 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 गड्ढे बन जाते हैं, साथ में उनमें बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट देखने को मिलती है, नाखून जो होते हैं नेल बेड्स को छोड़ के निकल जाते हैं, साथ में क्रैक हो जाते हैं नेल्स। इसके अलावा कुछ आई प्रॉब्लम जैसे कि कंजक्टिवाइटिस, यूवीआइटिस देखने को मिलता है, साथ में इसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एग्जॉशन और प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलता है। मतलब जिसको भी कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है, इवन उसको रेस्ट करने पे भी ऐसा नहीं फील होता कि अब एनर्जी आ गई, मुझे चलना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं, तो ये बेसिकली 5 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस,
जो 25% केसेस में होता है। इसमें बहुत ज़्यादा सिमिट्री देखने को मिलती है, जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस में देखने को मिलता है। तो इसलिए कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स के हैं जो कंफ्यूज करते हैं कि कहीं ये रूमेटाइड आर्थराइटिस तो नहीं है। सिमिट्री मीन्स कि आपके जो दोनों साइड के यानी लेफ्ट और राइट साइड के जो जॉइंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी अगर आपके राइट हैंड के जॉइंट्स इन्वॉल्व है तो आपके लेफ्ट हैंड के जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। पॉलीआर्थराइटिस मींस जब आपके 5 या उससे ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हो तो उस कंडीशन को पॉलीआर्थराइटिस कहते हैं। तो आपके हाथ के जॉइंट्स हो गए, स्पेशली जो फिंगर के जॉइंट्स होते हैं, DIP PIP, आपके रिस्ट जॉइंट हो गए, तो ये सारे जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। साथ में पैरों में भी जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, एंकल के जॉइंट्स हो गए, वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें एक्लीस टेंडोनाइटिस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो कंडीशन होती है यानी कि सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस, ये फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। सेकेंड वन इज एसिमेट्रिकल इन्फ्लामेटरी ओलिगोआर्थराइटिस, ये 40% केसेस में देखने को मिलता है। जॉइंट्स मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारा नी जॉइंट हो गया, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब किसी के भी जॉइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें ऐसा कोई सिमेट्री नहीं देखने को मिलती है, आपके कोई भी एक या दो जॉइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें डैक्टोलाइटिस देखने को मिलता है, यानी आपके जो फिंगर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है और वो सॉसेज टाइप दिखने लग जाता है। थर्ड वन इज प्रीडोमिनेंट DIP जॉइंट आर्थराइटिस, यानी जहाँ पे आपका डिस्टल इंटरफेलेंजल जॉइंट यानी कि ये जॉइंट इन्वॉल्व होता है। ये बेसिकली 15% लोगों को होता है और इसमें आपके जो ये जॉइंट होते हैं ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ के सराउंडिंग एरिया में भी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसमें नेल डिस्ट्रॉफी भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे नेल चेंजेस बहुत प्रीडोमिनेंट होते हैं और ये मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। फोर्थ वन इज सोरियाटिक स्पॉन्डिलाइटिस, ये 15% लोगों को होता है और ज़्यादातर ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरह ही देखने को मिलता है। इसमें आपकी स्पाइन कहीं भी इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में लोअर स्पाइन में ही इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। फिफ्थ वन इज आर्थराइटिस म्यूटिलेंस, ये 5% केसेस में होता है, ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर फॉर्म होता है। इसमें जो होता है जॉइंट का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपके जॉइंट पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसकी वजह से कई बार जो फिंगर्स के अगर जॉइंट इन्वॉल्व हैं तो उनकी शॉर्टनिंग हो जाती है, मतलब अगर जॉइंट पूरा डिस्ट्रॉय हो गए तो यहाँ पे फिंगर जो होती है आपकी छोटी हो जाती है। तो इस तरह के पूरा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, बहुत सीवियर फॉर्म होता है, बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। अब हम इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं। इसका ऐसा कोई डायग्नोसिस का क्राइटेरिया अवेलेबल नहीं है। अदर फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, गाउट हो गया, रिएक्टिव आर्थराइटिस हो गया, इन सबसे अलग करने के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि CBC हो गया, कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाते हैं, CRP करवाते हैं, रूमेटाइड फैक्टर टेस्ट करवाते हैं, यूरिक एसिड टेस्ट करवाते हैं, साथ में जो जॉइंट इन्वॉल्व है उनका एक्सरे करवाते हैं। तो ये सारे कुछ टेस्ट करवाते हैं जिससे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। इसके अलावा ज़्यादातर इसका डायग्नोसिस का बेसिस होता है कि आपकी हिस्ट्री, आपको कोई सोरियासिस की हिस्ट्री तो नहीं है। साथ में आपके जो डॉक्टर हैं वो आपकी हिस्ट्री लेते हैं, आपकी पास्ट हिस्ट्री, आपकी फैमिली हिस्ट्री, और साथ में आपके जो सिम्टम्स होते हैं उस बेस पे इसका डायग्नोसिस होता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के, जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस के केसेस में। होम्योपैथी जो होती है वो सिम्टम बेस पे दिया जाता है और इसका जो इलाज होता है वो लंबा चलता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप किसी अपने नियरेस्ट होम्योपैथिस्ट का ट्रीटमेंट लें, क्योंकि आपके सिम्टम्स चेंज होंगे उसके साथ आपकी मेडिसिन चेंज हो जाएगी, उसकी क्या पोटेंसी चलनी यानी कि पावर उसकी क्या रहेगी ये भी चेंज होता रहता है। तो अगर आप किसी डॉक्टर से दिखा के लेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी अच्छा आराम देखने को मिलेगा। हमारी फर्स्ट मेडिसिन है ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में। ग्रेफाइटिस बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है अगर आपके सिम्टम्स के बेस पे दिया जाए। ग्रेफाइटिस के जो पेशेंट होते हैं वो हेल्दी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है ये पतले दुबले होते जाते हैं। साथ में इनको कोल्ड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठंडा थोड़ा सा भी लगता है तो उनको प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है, चाहे वो स्किन की प्रॉब्लम हो चाहे वो जोड़ों की प्रॉब्लम हो। ग्रेफाइटिस में जो होता है सुबह में, शाम में और मिडनाइट से पहले इनको ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। इसके अलावा इनको बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, इनको हमेशा वार्म्थ चाहिए होता है। इनके लंबर रीजन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे स्पाइन एकदम ब्रोकन है, स्पाइन एकदम टूट चुकी है। इसके अलावा इनको हैंड में सोरियासिस की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली फिंगर्स पे, बिटवीन फिंगर्स में, तो ये तरह की कंडीशन होती है। अगर आपको सोरियासिस के साथ साथ जोड़ों में दर्द है, टीयरिंग पेन रह रहा है, साथ में आपको ठंड में ज़्यादा दिक्कत बढ़ रही है, सुबह शाम में ज़्यादा दिक्कत बढ़ रही है, तो
इस कंडीशन में आप ग्रेफाइटिस ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेकंड मेडिसिन है आईएसआई और 30 पोटेंसी में। आईएसआई बहुत इफेक्टिव होती है अगर आपको सोरियासिस की प्रॉब्लम है, जिसमें बड़े बड़े सिल्वर कलर के स्केल्स आते हैं और उनको निकालने पे एकदम रॉ सरफेस देखने को मिलता है नीचे। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा आपको डेबिलिटी रहती है, बहुत जल्दी आप थक जाते हैं, कुछ भी किया और थोड़ा सा और थक गया। साथ में आर्सेनिक एल्बम की तरह आर साइड में भी बहुत ज़्यादा बर्निंग देखने को मिलती है। अगर कोई भी कंडीशन है तो उसके साथ बर्निंग बहुत मार्क्ड होती है। इन्फ्लामेशन होता है जोड़ों में जो दर्द होता है वो लेटने पर, पेनफुल साइड पे लेटने पे, इन सब कंडीशनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ में आपको कंजक्टिवाइटिस भी है, तो इस तरह के अगर आपके सिम्टम है तो उसमें बहुत ही इफेक्टिव रहती है आरसाईओ। हमारी थर्ड मेडिसिन है सल्फर 30 पोटेंसी में। सल्फर बहुत इफेक्टिव होती है, हमारी एक बहुत ही अच्छी पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन होती है जो हर कंडीशन में काम आती है। अगर आप इसको सिम्टम टोटलिटी के बेस पे लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। सल्फर स्पेशली उन कंडीशंस में बहुत काम करती है जब डिजीज का रेमिशन हो जाता है, जैसे कि सोरियासिस या सोरियाटिक आर्थराइटिस में होता है कि एक टाइम तक आपको डिजीज रहेगी, आपको प्रॉब्लम्स रहेगी, उसके बाद कुछ टाइम पे रिमिशन का पीरियड देखने को मिलेगा, यानी आपको कोई सिम्टम्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप परफेक्टली नॉर्मल हो जाएंगे। फिर कुछ टाइम के बाद आपको वापस सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस कंडीशन के लिए सल्फर बेस्ट मेडिसिन होती है। साथ में सल्फर में बर्निंग बहुत देखने को मिलती है। सल्फर के पेशेंट जो होते हैं बहुत हॉट होते हैं, उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। साथ में इसमें लोअर बैक पेन होता है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रहती है। फोर्थ मेडिसिन है कालीकार्प 30 पोटेंसी में। कालीकार्प के जो पेशेंट्स होते हैं वो थोड़े से हेल्दी होते हैं, ओबीज होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बैकएक की प्रॉब्लम रहती है। अगर आप उसको टच करते हैं कि आप प्रेस कर दें, टच कर दें, मालिश कर दें, तो उससे और उनको पेन बढ़ जाता है। साथ में इनके पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग देखने को मिलती है जो ड्रॉपसिकल होती है। इसके अलावा इसमें स्टिचिंग टाइप का पेन देखने को मिलता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मार्क वीकनेस होती है। फिफ्थ मेडिसिन है रस्ट्रॉक्स 200 पोटेंसी में। रस्ट्रॉक्स बहुत इफेक्टिव होती है, स्पेशली अगर आपको कोल्ड डैम वेदर में आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। साथ में आपको एग्रावेशन है कोल्ड से, अम्यूलरेशन है कि आप मतलब आपका जो प्रॉब्लम सारी ठंडी से बढ़ती है और आपको आराम मिलता है अगर आप वॉक करते हैं तो, इतना वॉक करते हैं कि धीरे धीरे करके आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसमें आई इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है जो रिमेटिक पेशेंट होते हैं उनको, मतलब आर्थराइटिस के पेशेंट को अगर आई में भी इन्फ्लेमेशन है, आई की भी प्रॉब्लम है, तो उसमें भी अच्छा काम करती है। साथ में इसमें बैक पेन भी देखने को मिलता है। अब बैक पेन इतना ज़्यादा होता है कि अगर किसी हार्ड सर्फेस पर लेटने हैं तो आराम मिलता है, इस तरह की कंडीशन होती है। साथ में आर्थराइटिस है, स्किन इरप्शंस है। अगर आपको ये सब है और डैम्प और कोल्ड वेदर में आपको ये बढ़ जा रहा है तो इस कंडीशन में रस्ट्रॉक्स बेस्ट मेडिसिन होती है। ये मेडिसिन जो है मैंने एजुकेशनल पर्पज से बताई है। बहुत सारी मेडिसिन होती है जैसे कि मैंने पहले बताया, आपके सिम्टम के बेस पे देंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।